सुबह में दिखा देंगे कि दही का क्या पोजीशन है, कदवा किचन हो रहा है इधर, पता नहीं रात में गायब हो जाएंगे, पिठिया उठिया करने साथ चल जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, अभी शाम के 6:30 बज रही है और हम खाना बनाने की सोच रहे थे, सोचे खाना में क्या बना, तो चलिए देखते हैं खाना में क्या बनाते हैं, क्या सब सब्जी मिलता है, कि हम दूध क्यों उबाल रहे हैं सो कि इसी को भूख लगा हुआ है। बेचारी कखन से दूध पीने के लिए छटपट छटपट कर रही है, अभी ये दूध दुहा के आया है, लेट से थोड़ा सा दूध दुहाता है। तो इधर ना हम सोचे कि पहले दूध को गर्म कर देते हैं, कीर्ति और कृषि को दे देते हैं, वो दोनों पी लेगी, उसके बाद हम इसी में चाय बना लेंगे बचा हुआ दूध को। चलिए तो फटाफट से इधर कर लेते हैं। और इधर है सब्जी में भुजिया कटा रहे हैं, भुजिया भिंडी के, तो चलिए भिंडी के भुजिया रोटी बनेगा। तो जब तक भिंडी कटा रहा है तब तक हम बाबू को दूध ठंडा करके दे देते हैं और चाय भी बना के मम्मी लोग को दे देते हैं। तो इधर कृति कृषि के लिए दूध ठंडा होने के लिए पानी में डाल दिए हैं और इधर चाय भी बना रहे हैं, तो चाय में चाय पत्ती डाल दिए, बस चीनी देना बाकी है। भुजिया के लिए इधर हम फोरन जला रहे हैं, मिर्ची और प्याज, भुजिया कटाया एक छिपा। सारा चाय समाप्त भी हो गया है हमारे लिए प्लेट में चाय, तो चलिए हम भी पी लेते हैं, न तो ये भी समाप्त हो जाएगा। कृषि जल्दी जल्दी खा, कृषि खाला ना खाएगी, देखिए बोल रहे खाने के लिए, तो बोल रहे फोरन भी फ्राई हो गया, इसमें भिंडी डाल देते हैं, लाइन कटा हुआ इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कुछ कम हो रहा है इसमें। चलिए फटाफट से जब तक भुजिया होगा तब तक हम जाते हैं आटा सानने, आटा को निकाल के ले आए, कृषि आ गई है देखिए आटा सानने के लिए, जल्दी जल्दी सानते हैं उसके बाद जाएंगे रोटी बनाए। लाइन कटा हुआ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, देखिए पूरे अंधेरा अंधेरा हो रहा है सब तक। तो जब तक इधर भुजिया भी नहीं हुआ तब तक हम इधर आटा भी सान लिए है, तो आटा के अभी हम रोटी नहीं बनाएंगे, रोटी ननद बनाएगी, तो चलिए अभी हम जाते हैं थोड़ा सा आराम करने। देखिए बच्चा पार्टी सबके कैसे कैसे सब कर रहा है, से देखिए कदवा किचन हो रहा है इधर। और इधर इनसे मिलिए दादी से, पता नहीं कहाँ कहाँ भाग जाते, अभी मम्मी पकड़ के लाए पता नहीं कहाँ से न कहाँ से, खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं, इनको भूख लगा हुआ है और क्या कहता है, इनको सुनाई नहीं नहीं दे रहा है, हम जो बोल रहे हैं इसे नहीं सुन रहे हैं ये। तो फ्रेंड्स फाइनली ना इधर भुजिया भी बन गया है, और बनते बनते देखिए आधा से बेसी गायब भी हो गया है, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है एक जन के लिए। और इधर रोटी भी बना रही है ननद, तो देखिए ननद बना लिए हैं सारा रोटी, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो हमको भूख लग गया है ना फ्रेंड्स, तो हम ना जा रहे हैं खाना खाने। ये देखिए हम इसमें खाना निकाल लिए थे, भुजिया बहुत ही कम है इसी वजह से मैं बहुत ही कम भुजिया ली हूँ, एक रोटी नहीं खा पाऊँगी, दो रोटी खा लेती हूँ गर्म रोटी, मुझे ना गर्म खाने की आदत है, ठंडा नहीं घुटाता है, लगता है कंठ के अंदर नहीं जाता है। तो चलिए हम फटाफट से पहले रोटी और भुजिया खा लेते हैं। और देखिए इधर दादी को दिए थे खाना खाने के लिए रोटी भुजिया, तो दादी खा लिए हैं, बस थोड़ा सा छोड़ दिए, बोल रहे कि नहीं खाएंगे, नहीं सुन रहे हैं। देखिए अभी जाएंगे सोने, झोरा टांगे हुए, पता नहीं रात में गायब हो जाएंगे, पिठिया उठिया करने साथ चल जाएंगे बाजार उजार करने, रात में गायब हो जाते हैं लोग, हम लोग ना इनको ताला मार के तब अंदर में सुलाते हैं, तो पता नहीं कहाँ कहाँ गायब हो जाते हैं सो। कृषि कौन है, कृषि आना ना, वो कौन है, दादा दादी। और इधर कीर्ति सो गई है, कीर्ति के सेम उम्र के ये है आरुषि दीदी के बेटी, ये भी अभी सोए नहीं, इनको आँख में नींद नहीं रहता है, कृषि साथ खेल है, देखिए दीदी के बेटा रीसु। तो चलिए फटाफट से हम दो रोटी खा लेते हैं, भूख लगा हुआ है। तो फिर हम भुजिया रोटी खा लिए और किचन में आ गए, देख रहे हैं कोई काम तो बचल है या नहीं है बचल, तो चलिए बैक कैमरा से देखते हैं। तो फाइनली फिर सारा काम तो हो गया है, बाकी उस बचा हुआ काम सुबह में होगा। इधर दूध है तो सब लोग अभी पियेंगे, अब बच जाएगा जो दूध उसको दही जमा देंगे, पबनी वाला जोरन बचा हुआ है, सब लोग को दूध दे देते हैं, देखते हैं कि कितना दूध बचता है, हम भी थोड़ा सा पी लेंगे। और इधर देखिए सब लोग सो रहे हैं ऊपर में, फुल फैमिली, चारों फैमिली है, और हम तीनों फैमिली सोएंगे नीचे में, बिछावन कर लिए हैं, कीर्ति कृषि सो रही है, और लोग के लिए उधर बरंडा पे बिछावन है, नीचे में बिछावन है। तो सारा दूध पी के खत्म हो गया है, बस इतना बच गया है, तो इतना में भी हम बना देंगे दही। इधर दही है, इसमें से थोड़ा सा हम जोरन निकालेंगे, बस इतना, यही केन में दही जमाएंगे, तो केन को पहले अच्छा से हम गर्म कर लेते हैं, उसके बाद इसी में दूध डाल देंगे। तो केन हो गया गर्म, गैस को बंद कर देते हैं, केन को उठा के ले चलते हैं, तो केन में रखती है, दूध को झील देते हैं इसी में, देखिए हल्का सुसुम है दूध, ज़्यादा गर्म नहीं है, तो इसी में जोरन को डाल देंगे। तो इतना सारा दूध में हम इतना सारा जोरन डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टा है,
पता चलेगा कल एकदम दूध जम गया है, दूध जम के एकदम दही बन गया है। तो कल सुबह में दिखा देंगे कि दही का क्या पोजीशन है। तो आज हम इसको अच्छा से झाँप के इसको एक जगह एकदम हिलना डुलना नहीं चाहिए, एकदम आराम से रख देंगे। सुबह में दिखाएंगे कि हमारा दही कैसा जमा है। सो तो इधर है चावल के डिब्बा, तो इसी में डाल देते हैं, ऊपर से हम अच्छा से झाँप देते हैं। देखिए दूध को झाँप दिए हैं, ऊपर से और कुछ कुछ डाल देते हैं ताकि दूध में मूसा उसा ना घुसे। चलिए तो हो गया हमारा काम। और इधर हम थोड़ा सा दूध ले लिए तो इसको हम पी लेते हैं और उसके बाद सोएंगे। रात बहुत ज़्यादा हो गया, नींद भी लग रहा है। कृति कृषि कब से सो गई है। तो चलिए वीडियो को इतना ही पेंट करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। तो फाइनली फ्रेंड्स सुबह हो गई है, चलिए दही का पोजीशन देखते हैं, दही का क्या हाल है। सो अभी तक देखे नहीं है तो फाइनली देखिए दही का हाल, देखिए किस तरह से जम गया है। देखिए चेका चेका निकल रहा है। देखिए चलिए इसको हम और रख देंगे, शाम के हम लोग को खाना है, अभी नहीं खाना। तो इसको फिर से झाँप के वहीं पे रख देंगे जहाँ पे रात में रखे थे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।